जी हाँ दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं आपके फ़ोन के कीबोर्ड के बारे में, जिसका नाम गूगल कीबोर्ड है। इसके क्या फीचर हैं और इसके फीचर्स को यूज़ करके आप कैसे अपना समय बचा सकते हैं, देखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देसी गुरुजी चैनल में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए और मैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो शुरू करने के लिए अपने को चलना होगा मेरी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर और वहां चल के देखते हैं क्या इसके खास फीचर हैं और इन फीचर्स को यूज़ करके अपन कैसे अपना टाइम बचा सकते हैं। जैसे कि दोस्तों अपन आ गए मेरी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर और मैंने ओपन कर रखा है ऑलरेडी मेरा गूगल कीबोर्ड दोस्तों। उसके बाद आपको एक लोगो दिख रहा होगा गूगल का, उस पर क्लिक करना रहेगा आपको। और उसके बाद मान लीजिए आपको कुछ भी सर्च करना है या फिर अपने फ्रेंड या अपने फैमिली मेम्बर को किसी भी प्रकार की लिंक सर्च करके सेंड करनी है आपको, तो डायरेक्टली आप गूगल क्रोम ओपन करके नहीं, यहाँ डायरेक्टली आप कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना, मान लीजिए मेरे को मॉल सेल की करनी, तो मैं मॉल सेल पर क्लिक करूँगा और कुछ इस प्रकार से सारी लिंक्स मेरे को मिल जाएगी और यहाँ से मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इस प्रकार के शेयर कर पाएंगे। जैसे ये करनी तो ये भी शेयर होगी, इस प्रकार से सारे अपन शेयर कर सकते हैं यहाँ पे सेंड पे क्लिक करके। ये काफ़ी अच्छा फीचर है दोस्तों। दूसरा जो फीचर है दोस्तों, आपको वापस से गूगल के लोगो पर क्लिक करना रहेगा। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे, मान लीजिए आप अपने फ्रेंड को हैप्पी वाला या सैड वाला स्टिकर सेंड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे स्टिकर पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे दो स्टिकर तो देखने को मिल रहे हैं और आप और भी यहाँ पे स्टिकर हैप्पी वाला या कुछ भी आप स्टिकर यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार के स्टिकर देखने को मिलेंगे, तो काफ़ी अच्छा है। और ये भी मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ क्योंकि ये यूज़ करने में मेरे को काफ़ी मज़ा आता है। इसमें तीसरे फीचर के लिए भी आपको गूगल के लोगो पर क्लिक करना रहेगा। आप उस ये फीचर है आपको GIF का, आप GIF सेंड कर सकते हैं। आप किसी भी फ्रेंड को GIF पर क्लिक करेंगे और आपको किसी प्रकार की GIF चाहिए, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए आई मिस यू की GIF चाहिए मेरे को, तो यहाँ से क्लिक करके मैं कोई भी GIF यहाँ से उठा सकता हूँ और मेरे फ्रेंड को मैं यहाँ से क्लिक करके सेंड कर सकता हूँ। दोस्तों इसी कीबोर्ड के अंदर एक जो चौथा फीचर है वो मेरा बहुत ही खास फीचर है क्योंकि मैं वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ, गूगल ट्रांसलेटर। दोस्तों इसी में आपको ट्रांसलेटर मिल जाता है, आप इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो और हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। मान लीजिए आपको इंग्लिश कम आती है या फिर आपको हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो इसके माध्यम से आप डायरेक्टली यहाँ पर ट्रांसलेट कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छा फीचर है, मैं इसको पर्सनली यूज़ करता हूँ। इसी कीबोर्ड के पांचवें फीचर के लिए आपको जी के लोगो पर क्लिक करना रहेगा और आप इसमें थीम का भी ऑप्शन है, इसी के अंदर आप इस कीबोर्ड की थीम भी चेंज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करना है आपको, सिंपल से क्लिक करने के बाद आपको इतनी सारी थीम्स देखने को मिलेगी, आप डाउनलोड करके आप अपने कीबोर्ड को और भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करोगे, इस पर अप्लाई करोगे तो आपको देखने को मिल जाएगी, थीम लग जाएगी आपके कीबोर्ड के ऊपर, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी ब्यूटीफुल भी लगता है। अंत में बात करेंगे इस कीबोर्ड की सेटिंग के बारे में, आप इसमें अपने हिसाब से सेटिंग भी कर सकते हैं। सेटिंग पर क्लिक करके आपको लैंग्वेज सेटिंग कर सकते हैं, थीम सेटिंग कर सकते हैं, टेक्स्ट करेक्शन, गाइड टाइपिंग, वॉइस टाइपिंग और डिक्शनरी और सर्च और एडवाइस, आपको सब कुछ मिल जाता है इसके अंदर। और आपको अगर ये कीबोर्ड आपके फ़ोन के अंदर नहीं है तो आप इसको प्ले स्टोर से सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था कंप्लीट वीडियो गूगल कीबोर्ड के बारे में, इसके फीचर और इसके यूजेस के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं। थैंक यू, कीप सपोर्ट, कीप लव, हैव अ गुड डे।